हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो डे 4 व्लॉग यहाँ से शुरू होता है। हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? ब्रेकफास्ट करने के लिए। 9:30 अभी हो रहा है, 8:30 हमारा बोट आ जाएगा, फिर हम जाएंगे। आगे आपको वीडियो भी दिखेगा। अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे कर रहे हैं। और मैं और रीवा कैसे लग रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रीवा दिखाओ। तो कल का दिन हमारा काफ़ी अच्छा रहा, जो आपने ब्लॉग में देख ही लिया होगा। अब आज एक नया दिन है। आज हम करने वाले हैं वाटर स्पोर्ट्स। रीवा हैप्पी होली बोलो। हैप्पी होली। तो हम सब, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। होली अच्छे से बनाइए, सेफ बनाइए। कलर से खेलिए, हम तो नहीं खेल पाएंगे। तो आज हम पानी से खेलेंगे, बालों में कलर्स। तो चलिए मिलते हैं आगे आपको वीडियो में। हम निकलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी हुई है। आज धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है। सुबह सुबह इतनी धूप, मतलब बोर्ड पे तो हालत ख़राब होगी गर्मी से। तो ये है आज का वेदर। सुबह के 9:00 हैं और अच्छी खासी धूप निकल चुकी है। तो यहाँ हम निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और बाहर का वेदर मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, काफ़ी गर्म है, पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। और बीच के पास चाहे कितनी भी गर्मी हो, ठंडी हवा चलती है, ठंडा लगता ही है। तो ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, पेड़ इतने ज़्यादा हैं कि धूप है पर उसमें भी उतनी गर्मी नहीं है। मतलब अच्छा लग रहा है कि वॉक करने पे ना अच्छा लगता है। तो यहाँ से हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं और टाइम भी हो चुका है। हमारी बोट आ चुकी है, जैसा कि हमें कॉल आया है। रीवा यहाँ पे पोज दे रही है और अब हमारा ब्रेकफास्ट शुरू हो गया। रीवा का वही दूध और कॉर्नफ्लेक्स, और मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। इडली चटनी, उपमा। उपमा अच्छा था पर इडली चटनी बिल्कुल अच्छा नहीं था। साथ ही में फ्रूट्स, वाटरमेलन। अब यहाँ से ब्रेकफास्ट करके हमने तो बहुत ज़्यादा पेट भर के नाश्ता किया, जबकि वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि स्कूबा डाइविंग के लिए हमें ज़्यादा खाना नहीं होता है, पेट को थोड़ा खाली रखना होता है। पर हम तो पेट भर के घर गए थे वहाँ से। फिर हम यहाँ से निकल चुके हैं जस्ट रिज़ॉर्ट के सीधे में ही। रिज़ॉर्ट से निकलते ही हमारी जो बोट थी वो आ गई थी। बहुत थोड़ा सा चलना पड़ा था और बहुत ज़्यादा गर्म था सैंड, तो चप्पल पहन के भी चलने में मुश्किल होती थी और चप्पल उतार के भी चलना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर उसके बाद हम पहुँच गए बोट के पास। ये हमारी बोट नहीं है, ये बोट हमें हमारी बोट के पास लेके जाएगी। तो हम यहाँ पहन रहे लाइफ जैकेट और उसके बाद हम इस बोट पे बैठेंगे और इस बोट से अपनी बोट के पास तक जाएंगे। तो यहाँ मैंने, रीवा ने पहन लिया, अनुज ने भी पहन लिया और हम लोग बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं अपनी बोट की तरफ। बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत तेज़ भी चल रहा है। तो यहाँ से अब हम अपनी बोट पे चढ़ रहे हैं। ये वो बोट जो हमने बुक की थी। तो ये बोट हमें आगे डॉल्फिन दिखाते हुए और भी आगे, अब ना अब आपको वॉइस सुनाई देगी हमने क्या क्या देखा। तो ये जो बोट के ओनर थे उन्होंने हमें सारी चीज़ें बताई, तो आगे अब आप उनकी आवाज़ सुनोगे कि उन्होंने हमें क्या क्या दिखाया। तो सबसे पहले हमने डॉल्फिन देखा। अगवादा जेल जो म्यूजियम बनाया अभी गवर्नमेंट ने, आपको आप जाके विजिट भी कर सकते अंदर से। और वो ऊपर ये जो फोर्ट है अपना, वो पूरा बाउंड्री है फोर्ट का, वो पुराना लाइट हाउस है, वो फोटा वाला पुराना लाइट हाउस है। फिर आगे वाला है, ये जो आगे वाला है वो नया लाइट हाउस है, एंटीना भी सब शिप्स के लिए। और वो अपना जिमीज पैलेस, डायमंड डीलर का पैलेस है जो पकड़ा गया हो बहुत साल पहला। और वो अपना शिकरिम चर्च, वो अपना अभी शिकरिम जेटी नया बनाया वहाँ पे। वहाँ पे छतरी छतरी लगाया देख, वहाँ पे वहाँ पे सब अब फूड स्टॉल है वहाँ पे, एक आप जाके विजिट कर सकते हैं। पूरा उधर उधर भी जा सकते हैं अंदर, उधर टैक्सी टैक्सी लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो आपका व्हीकल है तो आप लेके जा सकते हैं। जेल ऐसे बना हुआ छोड़ा हुआ है इसने? नहीं, वो पॉजिटिव स्टाइल में बनाया हुआ था। वो सामने विजय माल्या का, विजय माल्या का पुराना यॉट है जो भेजा है अभी। तो क्या हो रहा है पहले ऐसा बहुत लफड़ा था, अभी क्या हुआ गवर्नमेंट रूल्स करके मारने का नहीं, मरने का नहीं करके चेंज किया। इसमें लाके छोड़ देते अंदर खाया पानी, ऐसा कुछ लफड़ा हुआ था बड़ा। अभी कुछ हुआ तो क्या, पैसा लगा सर, पैसा डाल के नहीं खा सकते सब गवर्नमेंट ने। बहुत
तो अब हम जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग के लिए। तो इससे पहले आपने सुन लिया कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी, हमने डॉल्फिन भी देखा, पर डॉल्फिन का वीडियो निकालना बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत दूर से बहुत हल्का दिख रहा था, क्योंकि डॉल्फिन जैसे बोट की आवाज़ सुनते ही ना वो फिर दिखना बंद हो जाती है, भाग जाती है। तो हम उतना बहुत दूर से हमें दिखाई दी, जो कि वीडियो में लाना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे बोट लगे हैं, ये वो बोट हैं जिसमें एक साथ बहुत सारे लोग आते हैं और ये बहुत स्लो भी चलता है, तो बहुत सारे लोगों के साथ, और इसके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका चार्जेस शायद 1500 है स्कूबा डाइविंग के लिए, और जो हमने बोट बुक की थी वो हमें पड़ा था 15,000 का। तो ये इस बोट में जो आप सामने देख रहे हो, इसमें बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, बहुत स्लो स्लो ये आता है, और एक एक इंसान का जब कंप्लीट होता है तब ये बोट जाता है, तो जिसमें पूरा दिन लग जाता है। और यहाँ अगर आप पर्सनल बोट करते हो जैसे हमने की, तो 15,000 ये लेगा और ये क्या फटाफट से आपको करवाएगा और जल्दी जल्दी और बहुत सारी जगह घुमा के फिर आपको वापस लेके जाएंगे। जैसे 9:30 हम निकले और 1 बजे हम फ्री हो चुके थे। तो यहाँ से अब हम दूसरे बोट पर बैठेंगे, जिस बोट से हम स्कूबा डाइविंग करेंगे। तो अभी हम जैसे आप सामने बोट देख रहे हो, इस बोट के पास ही बोट जाएगी, फिर हम उसमें शिफ्ट होंगे और वहाँ से करेंगे। तो यहाँ मैं नीचे उतर रही हूँ और यहीं मुझे जैकेट पहनाया जाएगा, लाइफ जैकेट पहनाया जाएगा, और कोई भी एक इंसान मुझे बताएगा, पकड़ के वो करवाएगा मुझे। तो इसके बाद हम निकल चुके थे और वापस आते हुए मैंने बोट चलाई, अनुज ने बोट चलाई, रीवा ने बोट चलाया, और वापस जाते हुए ना बहुत मज़ा आया। मतलब जब हम आ रहे थे ना वो थोड़ा सा बोरिंग था, लेकिन वापस जाते हुए हवा भी बहुत तेज़ थी और बोट भी बहुत फास्ट चल रही थी, तो हमने बहुत मस्ती की। उसके बाद हम चेंज किया बोट, वो बोट हमें दूसरे बोट पर छोड़ के, क्योंकि अब हम फिर से चेंज करेंगे बोट, और ये जो आप सामने बोट देख रहे हो इससे हम पैराग्लाइडिंग करेंगे। तो यहाँ पे बोट चेंज होती रही बीच बीच में, तो यहाँ अब मैंने किया पैराग्लाइडिंग, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो मैंने किया, अनुज ने किया, रीवा ने तो बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा ही डरपोक है। तो सबसे पहले यहाँ ये पानियों में डुबके हैं, ये पहले पूछते हैं कि आपको करना है तो ही ये करवाते हैं। तो ये जो पानियों में डुबके हैं ये मारी मैंने, उसके एक बार तो मेरे नाक में पानी चला गया, तीसरी वाले में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इसमें, सबसे ज़्यादा मज़ेदार था ये। तो फिर यहाँ पे अनुज ने भी किया, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अनुज को पूछा डुब गया, तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया, नहीं मुझे ये सब ना पानी के अंदर मत लेके जाना, मुझे बहुत डर लगता है, तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया। फिर अनुज ने भी किया और उनको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैंने तो पहले किया हुआ था, अनुज का फर्स्ट टाइम था ये, तो उन्होंने भी ये बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो इसके बाद हमारा ये पैरा ग्लाइडिंग तो होता है ख़त्म। उसके बाद हमने ये किया, इसका मुझे नाम नहीं पता, पर इसमें क्या ये बोट में बांध के ना बोट लेके जाता है, और फिर आगे जैसी लहर आती है ना तो हमें पलट जाना होता है, तो हम सीधे पानी में गिर जाते हैं। ये भी बहुत मज़ेदार था, पर सबसे ज़्यादा मज़ेदार था ये बनाना राइड। ये तो आप जब भी गोवा जाओ ना, कुछ करो ना करो, बनाना राइड तो बिल्कुल करना मेरे कहने पे, क्योंकि इससे ज़्यादा मज़ेदार कुछ नहीं है। क्योंकि अब आप आगे देखोगे कि हम ये क्योंकि अब आप जो आगे देखोगे हम जो आगे जा रहे हैं ना, ये रीवा ने वीडियो लिया है, तो थोड़ा सा ले लिया भाई, बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये रीवा दूर से वीडियो ले रही है अपना, आगे जाके ना हमें ये बनाना को छोड़ देना है और पलटी मार देना है जैसे लहर आती है ना। तो यहाँ हमने बनाना छोड़ा और ये देख सकते हो हम पलट गए। तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार तो ये था, बहुत मज़ा आया सबसे ज़्यादा। हमें लगा हमें एक और बार करना चाहिए, पर क्या होता है ना कि एक बार करके जो मज़ा आता है ना तुरंत में दूसरी बार में नहीं आता। तो जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे ना हम फिर से ये करेंगे। तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार ये था। उसके बाद हमने किया
स्काई राइडिंग, उसका अभी आप रीवा का वीडियो देखोगे, क्योंकि रीवा ने और कुछ तो किया नहीं, एक स्काई राइडिंग में ही उसने किया, तो अभी वो बैठेगी और फिर उसका वो करेगी। मैंने भी किया और अनुज ने भी किया, पर मैं वीडियो रीवा का डाल रही हूँ। तो रीवा ने काफ़ी इन्जॉय किया, हमें ये वाटर स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था ये। और आप लोग जब भी गोवा आओ, मैं हमेशा बोलूँगी कि ये नहीं किया तो फिर कुछ नहीं किया, तो बीच पे टाइम स्पेंड करिए, वाटर स्पोर्ट्स करिए, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा मज़ा है। हमने सबसे ज़्यादा बीच पे टाइम स्पेंड किया, पूरा दिन रात रात वहीं बैठे रहते थे। और उसके बाद हमने किया स्विमिंग, तो अभी आप देखोगे, पहले तो हमारा लंच आ गया था, फिर रीवा स्विमिंग पूल से निकल नहीं रही क्योंकि उसको स्विमिंग करना था, फिर यहाँ हमारा लंच हमने किया, थोड़ा एक घंटा स्विमिंग पूल में रहे, फिर हमने लंच किया, भूख लग गई थी, फिर हम रूम पे गए, रेडी हुए, सो गए, सो के उठे, फिर से भूख लगी, रीवा को भूख लग गई थी, तो हमने रीवा ने चिकन पकौड़े ऑर्डर किए, वो आया, साथ में चाय पिया, चाय तो घर की पसंद है लेकिन ऑप्शन नहीं था तो हमने वहाँ चाय पिया। तो यहाँ हमने खाया मिक्स वेज पकौड़ा और रीवा ने खाया चिकन पकौड़ा। तो यहाँ का मिक्स वेज पता है कैसा है, शिमला मिर्च प्याज अलग अलग करके, हमारे घर में तो हमारा पूरा वो मिक्स करके बनाया जाता है, वैसा नहीं था, तो मज़ेदार तो बिल्कुल भी नहीं था, पर भूख लगी तो खाया। उसके बाद ना अनुज को देखना था सनसेट, तो अनुज बहुत स्पीड में आगे आगे निकल रहे हैं कि सनसेट देखें, जो कि मैं बता दूँ कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सनसेट हो चुका था, तो वो अनुज नहीं देख पाए, हम लोग थोड़ा लेट हो गए, हम सो गए थे इसकी वजह से, बहुत ज़्यादा थक गए थे। अब वाटर स्पोर्ट्स के बाद ना वैसे ही बहुत ज़्यादा थक जाओगे जब भी आप करोगे, तो अनुज बहुत स्पीड में जा रहे हैं ताकि उनको कुछ तो दिख जाए, जो कि नहीं दिखा। उसके बाद हमने वहीं पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये रिज़ॉर्ट के सामने ही, वहाँ चेयर पे बैठ के बहुत अच्छी हवा और व्यू बहुत अच्छा था, तो हमने वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया साथ में, और कुछ खाने पीने के लिए मंगवाया। और आज ना हमने ज़्यादा टाइम यहीं निकाला क्योंकि करने को और कुछ था नहीं, हो चुका था सब कुछ, तो हमने साथ में बीच पे यही रिज़ॉर्ट में, आप लोग जब भी आओ ना आप बिल्कुल के चार्ल्सटन रिज़ॉर्ट में आना, आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये बीच पे है और बहुत शांति है, तो वाघा बीच और कलंगुट बीच के बीच में है ये चार्ल्सटन रिज़ॉर्ट, और बहुत ज़्यादा अच्छा है। खाना भी इसका बाकी जगह के हिसाब से काफ़ी मुझे पसंद आया, तो यहाँ का खाना भी ट्राई करना और ये होटल भी ट्राई करना, सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है। रीवा का डांस चलने लग गया और व्यू तो आप देख सकते हो कितना अच्छा आ रहा है। तो यहाँ हमने मंगवाए जूस, रीवा ने मंगवाया मिल्क शेक, बस आज हमने यही खाया और कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फुल हो चुका था, खा के हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बाहर का खाना हो गया था, तो सोचा थोड़ा लिक्विड डाइट पे रहते हैं। तो ये हमारा आज का व्लॉग था, डे 4 व्लॉग। फिर इसके बाद हम गए वॉक पे रात में रिजॉर्ट के बाहर। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके बाद तो बस और कुछ हमने नहीं किया, तो अगले व्लॉग का वेट करें, एक लास्ट व्लॉग और आएगा। कैसे लगा वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें।